चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोबिलिटी एड्स के बारे में। मोबिलिटी एड्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ में और ज़्यादा आसान होते जा रहे हैं, जिससे कि हमारे डिफरेंटली एबल्ड जो फ्रेंड्स हैं, खास करके मोबिलिटी की प्रॉब्लम जिनमें है, वो उनके लिए ज़िंदगी काफ़ी आसान होती जा रही है। अभी तक ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो ट्राईसाइकिल है या स्कूटर है, वो स्पेशली डिज़ाइन किया जा रहा है जिसमें कि साइड व्हील्स लगाने देने के साथ में उनको सिर्फ हमारे ऐसे भी फ्रेंड्स चला सकते हैं, अपने यूज़ में कर सकते हैं, जो कि अदरवाइज चल नहीं सकते थे। ऐसे में और क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जा रही है, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे यूज की हो सकती हैं, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट विजय गुलाटी जी से इस सब्जेक्ट पर कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। नोट करें हमारे नंबर्स जिन पर कि आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800 11 2008, हमारा फोन नंबर 011 2651 11 613 और हमारा फैक्स नंबर 011 2651 11 609 है, जिन पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट करें rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, अभी हम बात कर रहे थे स्कूटर्स के बारे में, क्या इस तरह की जो डेवलपमेंट है वो फोर व्हीलर्स में भी है? क्योंकि एक टू व्हीलर्स में ऐसे हमारे फ्रेंड्स को एक लॉन्ग जर्नी तय करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या इस तरह की एडवांसमेंट फोर व्हीलर्स में भी आ रही है? बिल्कुल है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर कार्स को प्रोड्यूस कर रही हैं और उनके कारों के अंदर ऑटो ट्रांसमिशन का प्रोविजन है, और उसके साथ साथ कुछ प्रोविजन उन लोगों ने ऐसे भी हैं जो हैंड ऑपरेटेड है, मींस जो पैरों से काम करते हैं, जैसे क्लच दबाना, ब्रेक दबाना या एक्सीलेटर देना, ये सब चीज़ें उन्होंने मूव करके हाथों में भी दे दी हैं। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भी कुछ ऑटोमोबाइल के अंदर इंजीनियर्स या लोग जो काम कर रहे हैं इसके अंदर, उन्होंने भी डेवलपमेंट किया हुआ है कि आप एक ऑर्डिनरी कार के अंदर भी चाहें तो वो अटैचमेंट लगवा सकते हैं, जो घर के दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक बड़े कम कीमत के ऊपर, अंदाजन 5000 के आसपास उसका अटैचमेंट, जहां आप कार खरीदते हैं 2.5-3 लाख रुपए की, 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा करेंगे तो उसके साथ वो आपको एक अटैचमेंट दे देंगे, लगा देंगे आपकी कार के अंदर, जिससे कि आपके पेडल्स के साथ में और आपके हाथों तक उसको, पेडल्स को हाथ की प्रोविजन में दे देते हैं, ताकि आप आराम से एक हाथ से स्टेयरिंग और दूसरे हाथ से आप उसको ब्रेक, एक्सीलेटर वगैरह आप उससे ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कार जो है एक मल्टीपर्पज़ हो जाती है। आप चाहें तो उसको आप चलाइए, आपके परिवार का कोई भी सदस्य चलाए, और एक आम आदमी उसमें, आप जैसे लोग जो हैं वो ड्राइव कर सकते हैं कार के अंदर। वो एक लॉन्ग डिस्टेंस एक व्हीकल है जो कार्स के लिए, मैं आपको भी बताने, और काफी करके सिक्योर भी है, तो सिक्योर है, बड़ी अच्छी कन्वीनियंस है। आप एक फैमिली के साथ हैं तो फैमिली को बड़े अच्छे से ले जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली या किसी भी कई शहरों में जहाँ सर्दी है, बारिश है, गर्मी है, हर चीज से आपको, मीन्स आप आम आदमी की तरह एक पूरा एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, जैसे आप में और उसमें कुछ फर्क नहीं रह जाता है। और हम एक हर एक एनजीओज या गवर्नमेंट का या पब्लिक का, हमारा एक सोच है कि सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, डिसेबिलिटी उसके आड़े नहीं आती है। अगर डिसेबिलिटी है तो आप उसको इग्नोर करके आप अपना एंजॉय कर सकते हैं उसके अंदर। एक कार्स हैं तो ये भी एक बड़ा अच्छा प्रोविजन, बड़ा अच्छा जो स्टार्ट किया हुआ है कंपनीज ने, दे आर वेरी हेल्पफुल। आपको कंपनी इसके अंदर काफी कुछ मॉडिफिकेशंस करके दे देती है एज पर द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। फिर वही बात आती है कि जिस आदमी को जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, वो उस तरह से उसको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब हर आदमी हर चीज को एंजॉय कर सकता है, वो साइकिल ट्राइसिकल तक ही लिमिटेड ना रहे, वो आगे कारों तक भी जा सकते हैं, उनको कार तक जाने में कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको कुछ स्लाइड्स यहाँ पर, थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी जानकारी आपसे और चाहूंगा। यहाँ पर एक बात की जाती है यूनिवर्सल डिजाइन की, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर की कारों की डिजाइनिंग ही कुछ इस तरह से की जा रही है, जिसे कि उन्होंने यूनिवर्सल डिजाइन नाम दिया है, जो कि कंपनी से ऑलरेडी वो इस तरह के मैन्युफैक्चर्ड हैं कि वो किसी भी तरह के पर्सन, वेदर दे आर डिसेबल्ड और नॉट, दे कैन यूज इट वेरी सक्सेसफुली। इज दिस टेक्नोलॉजी आल्सो कमिंग इन इंडिया?
फिलहाल तो जो हिंदुस्तान में जो कारें कार प्रोड्यूस कर रहे हैं या कार जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसके अंदर इस तरह का यूनिवर्सल वाला सिस्टम तो नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं कि ऑटो ट्रांसमिशन जो है आपको गियर बदलने नहीं पड़ते, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है स्पीड के अकॉर्डिंग अपने आप गियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है गियर उसका, तो ये एक ऑटो ट्रांसमिशन उसके अंदर तो कारों के अंदर बहुत आ गया। और ये एक आम आदमी जो ये समझ लीजिएगा कि वो शायद उसको गियर बदलने में दिक्कत होती है तो वो कहता है मैं ऑटो ट्रांसमिशन को ले लेता हूँ, एक बार फॉरवर्ड गियर में उसको कार को किया और अपना चलते रहे उसको, फिर बार बार गियर हर स्पीड पे बदलना नहीं पड़ता, जैसे ही आप स्लो हो जाते हैं तो आपका गियर भी अपने आप शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है अपने आप ही। तो ये एक प्रोविजन जो दोनों के लिए कॉमन है, मीन्स एक पर्सन जो विद डिसेबिलिटी है या एक आदमी जो इग्नोर करता है कि मैं नहीं चाहता बार बार गियर बदलूं, उसके लिए भी कन्वीनियंट है करके ये एक ट्रांसमिशन ऑटो ट्रांसमिशन की कारें तो बहुत मार्केट में आ गई हैं और ऑलमोस्ट सब कंपनी ने ही दे दी हैं। शुरू शुरू में तो सिर्फ मारुति लेके आई थी, लेकिन अब हर कंपनी ने इस चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया। कोई भी कंपनी कार की ले लीजिएगा, वो इवन छोटी से छोटी गाड़ी और बड़ी से बड़ी गाड़ी के अंदर भी ऑटो ट्रांसमिशन तो बहुत कॉमन हो गया और ये तो बहुत आ रहा है। टू व्हीलर्स में तो इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत दिन से है। टू व्हीलर में तो देखिए ये टेक्नोलॉजी है ही है, क्योंकि अब गियर सिस्टम काफी कम हो गया। गियर तो सिर्फ एक जो आज के टाइम में जो गियर वाली मोटरसाइकिल्स है वो तो बहुत महंगी हो गई है, जिनको एक समझिए स्पोर्ट्स के तौर पर देखा जाता है, खेल की तरह उसको स्पीड ली जाती है, तो उसके लिए काफी गियर का सिस्टम रहता है। बाकी तो ऑटो ट्रांसमिशन ही, सब स्कूटर्स वगैरह जितने भी आ गए हैं टू व्हीलर में सारे के सारे जो हैं सेल्फ स्टार्ट और ऑटो ट्रांसमिशन के साथ हैं। उनके जो फंक्शंस हैं काफी कम हो गए हैं, सिर्फ हाथ में ब्रेक है उनके और पैरों से भी हटा दिया है, सब हाथ में ब्रेक है, पैरों से कुछ भी नहीं करना आपको, एक साइड पे एक्सीलेटर है और दूसरी साइड पे ब्रेक, जैसे साइकिल में ब्रेक होते हैं वैसे ही टू व्हीलर के अंदर भी ब्रेक्स हैं उसके अंदर। तो ये एक बड़ा एक अच्छा मूव है बाय द कंपनी, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उसके मूवमेंट के साथ में। आम आदमी को तो हुआ फायदा, लेकिन द पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उसको भी बहुत फायदा, इसके अंदर काफी बेनिफिट मिल गया जी। आप स्लाइड देख सकते हैं, एक दो फोटोग्राफ्स हैं जिसके अंदर आप देखेंगे साइड कार और साइड मोटरसाइकिल के अंदर भी साइड कार लगी है और स्कूटर के अंदर भी साइड कार लगी है। इस तरह से साइड कार लगाने से उसमें सिटिंग कैपेसिटी भी तीन की हो जाती है, आप देख रहे हैं एक पीछे बैठ सकता है चलाने वाले की और एक साइड कार के अंदर भी सिटिंग है, या साइड कार में आप चाहें तो सामान भी रख सकते हैं, तो एक स्टेबल व्हीकल हो गया है जिसकी वजह से ये बैलेंसिंग में थोड़ी सी बैलेंसिंग मदद मिल जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से द पर्सन विद डिसेबिलिटी जो सीवियर डिसेबिलिटी है जिसको चलने में काफी मुश्किल है, लोअर एक्सट्रीमिटी काफी खराब है, उसकी वजह से उनको इससे कोई हताश होने की जरूरत नहीं है, सब फैसिलिटीज। सर ये साइड कार ये रिमूवेबल होती है और नॉर्मल बाइक्स में भी अगर चाहें तो हम अटैचमेंट इस तरह की करवा सकते हैं, बिल्कुल रिमूवेबल रहती है, आप इसको हटाना चाहें तो कभी भी हटवा सकते हैं, कभी भी लगाना चाहें तो उसको लगा सकते हैं जी। तो ये जो है एक नट बोल्ट, तीन नट बोल्ट लगे हैं उसके साथ ही अटैच हुई है, उसके साथ में साइड कार हटा के घर में छोड़ दीजिएगा तो कोई नॉर्मल आदमी चाहे तो दो टू व्हीलर एज ए टू व्हीलर उसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है। ये सीवियर डिसेबिलिटी की अभी तक हम बात कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर जो एक बहुत ज़्यादा सीवियर लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी सी लिमिटेशंस, जो हम कहेंगे कि ये इस तरह की फैसिलिटीज़ यूज़ करना शायद पॉसिबल नहीं होता है, तो दे रिमेन डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, कोई साथ उनके रहता है जो उनको मूव करते हैं या उनको कार में लेके जाते हैं, वो डिपेंडेंट रहते हैं, इंडिपेंडेंट होना उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि सीवियरिटी जो है वो ज़्यादा हो गई, जो उनकी लेवल ऑफ डिसेबिलिटी है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाने की वजह से, क्योंकि ज़्यादा होने का मतलब मेरा ये है कि देखिए उनके पैरों का भी प्रॉब्लम है, कमर में भी तक प्रॉब्लम आ चुकी है और हाथ भी एट द सेम टाइम उतना सपोर्ट बॉडी को नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि खुद की प्रोपेलिंग भी ख़त्म हो गई, खुद की मूवमेंट भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट दे कैन एंजॉय द लाइफ विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द अदर, दूसरे आदमी की मदद लेके साथ में उनको दे कैन एंजॉय द लाइफ, उनका जो दिनचर्या है वो सब चीज़ डिपेंडेंट होते हैं, किसी के साथ में लगे रहते हैं, तो सीवियरिटी के जो केसेस हैं वो बहुत कम हैं, जो वेरी सीवियर केस हैं जो उनकी हम बात कर रहे हैं, जो बहुत कम ऐसे केसेस हैं, लेकिन स्टिल देयर आर सम ऑफ द केसेस, और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उम्मीद करते हैं कि टेक्नोलॉजी और आती रहेगी तो शायद उन लोगों के लिए भी कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा सोल्यूशन उनके लिए भी मार्केट में या समाज में अवेलेबल होगा करके इसके लिए, तो ये हम उसके लिए कर सकते हैं। अब इससे नीचे अगर आते हैं हम तो कुछ समझिए मॉडरेट तरह के डिसेबल्ड आते हैं, मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं बच्चा जो है
इसको अब दोनों पैरों में जो अभी आपने देखा था सीवियरली डिसेबल्ड था, अब इसकी मोबिलिटी देखिए कितने आराम से चल रहा है ये बच्चा। आप देख रहे हैं दोनों दोनों हाथों में एल्बो क्रच लिया हुआ है और साथ में ये अपनी मोबिलिटी, अपना जाना आना, कॉलेज तक जाना, कॉलेज से आना, ये सब इसका अपना पढ़ाई इसने कर ली है, बीकॉम कर ली है, उसके साथ में अब ये जॉब भी कर रहा है कहीं पे। तो ऐसे बच्चों की जो एक एक इनका जो हौसला होता है वो बहुत बुलंद होता है। हम इनके हौसले भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनको बात करते हैं इनसे हम, तो दे फील वेरी एनकरेज। तो हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंस देने की ज़रूरत करते हैं कि जो इनको आसानी से, अब जो इसने पेंट के अंदर जो ऑर्थोसिस पहने हुए हैं ना, हमने इसको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसको ऑर्थोसिस दिए हैं, जिसकी वजह से ये अब नॉर्मल शूज़ जो हम मार्केट में हम लोग खरीद के पहनते हैं वो भी उसी तरह से खरीद के पहनता है। और जबकि इसका फुट जो है, आपने अगर इसकी स्लाइड देखी होगी शुरू में मैंने आपको जो दिखाया था सीवियर डिसेबिलिटी वाले दिखाए थे आपको, उसके अंदर आपने देखा था कि इसका पैर जो है कितनी तरह से डैमेज था, पूरा मसल लॉस था उसके अंदर, उस मसल्स के साथ में ये इसका पॉसिबल नहीं था। बट फिर भी इस बच्चे की मेहनत और एक टेक्नोलॉजी का प्रोविज़न, जो एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर इसको ये अच्छी बात है कि इसको ऑर्थोसिस जो मिला हुआ है दोनों पैरों के लिए, बड़ा अच्छा ऑर्थोसिस है और ड्यूरेबल है, एल्बो क्रच के साथ बड़ा कंफर्टेबली चल रहा है उसके साथ में, ही इज़ एबल टू मैनेज विद दिस। आप ये देख रहे हैं इसके साथ जो मॉडरेट से सीवियर तक के केसेस आते हैं, बिकॉज मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा है, सीवियर से थोड़ा कम है। इसके लिए क्या है, इनको थोड़ी सी अप्लाइंसिस, नंबर ऑफ अप्लाइंसिस, मैंने आपसे बात की थी, कोई एक अप्लाइंसिस भी किसी को इस्तेमाल में आ सकती है, किसी को एक से दो आ सकती हैं, दो से तीन भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं। तो ये अभी दोनों पैरों में ऑर्थोसिस है इसके पास और दोनों हाथों में इसके पास क्रच है जो एक काफ टाइप की है, एक डिफरेंट डिज़ाइन की बनाई हुई है इसके, जो उसकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक क्रच बनाई हुई है जिससे वो कंफर्टेबली आज, बिकॉज ये तो उसको राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब दो तीन साल का था तब से है, अब उसने बीकॉम भी कर लिया है, इट मीन्स कि काफ़ी साल हो गए इसको ये इस तरह की मोबिलिटी के साथ चलते चलते चलते, ही इज़ अ हैबिचुअल ऑफ वॉकिंग दिस एंड ही इज़ वेरी कम्फर्टेबल विद दैट। इसके बाद आते हैं हमारे पास जो मॉडरेट से अगर हम थोड़ा सा और कम में आते हैं, जो हमारे जो माइनर और माइल्ड मॉडरेट के बीच में जो आते हैं पेशेंट, आप ये देखेंगे अब इनका जो है, ही हैज़ लॉस्ट द लिम अबव द नी, जो घुटने से ऊपर तक की इसकी जो लॉस है वो ऑलमोस्ट ये यहाँ तक पूरा लेवल ऑफ एम्पुटेशन इसका काफ़ी ऊपर है, यहाँ तक का एम्पुटेशन है। बट ही इज़ यूजिंग दिस प्रोस्थेसिस, जो आर्टिफिशियल लेग जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, ही इज़ वॉकिंग विद दिस विद द नॉर्मल मूवमेंट। आप देख रहे हैं जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये फोम कवर के अंदर बंद हो जाता है जब इसको फाइनल करके देते हैं हम लोग, बट यूजिंग ए स्टिक ऑन अदर साइड, थोड़ा सा सपोर्ट के लिए स्टिक यूज़ करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू बी सेफ, और हम भी चाहते हैं कि द पर्सन यूजिंग दिस ऑर्थोसिस और प्रोस्थेसिस शुड बी सेफ इन द फील्ड ऑल्सो, बाहर निकलते हैं तो भी इनको सेफ ही रहना चाहिए, क्योंकि इसकी एज के हिसाब से कोई ये नहीं समझेगा कि शायद ये आर्टिफिशियल लेग पहन के चल रहा है, जिस तरह से इसकी मूवमेंट कितनी अच्छी मूवमेंट आ रही है, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि शायद ये नकली लेग पहने हुए है, किसी की गलती से के साथ में कोई इसको पुश करे तो भी हो सकता है कि इसको धक्का लगने से गिर जाए या कुछ ऐसा हो, उसकी वजह से भी ये जो इसको सपोर्ट एक स्टिक लेने की है वो बहुत ज़रूरी है। एक खाली स्टिक मदद भी कर रही है, साथ में एक इंडिकेशन, एक साइन दे रही है दूसरे लोगों के लिए कि इसको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है, जो हाथ में इसने छड़ी पकड़ी हुई है या हाथ में कोई स्टिक सी पकड़ी हुई है, तो इट मीन्स दैट शोज कि इस आदमी को थोड़ी सी पैर में कुछ परेशानी है करके। तो ये एक उनको यूज़ करना एक बड़ा अच्छा है। इस तरह के बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो मॉडरेट से लेके सीवियर तक के रहते हैं, जो लेकिन मॉडरेट से थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें इसके बीच में इनके पास देखेंगे तो आप दोनों पैरों के भी एम्पुटीज आते हैं, जिनके दोनों पैरों में एम्पुटेशन होती है, दोनों तरफ प्रोस्थेसिस लगाया जाता है ताकि वो एक मोबिलिटी अच्छी बना के रखें। ये सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल यूज़र के ऊपर, जो यूज़र है उसकी एक विल पावर, उसका एक यूज़ करने का तरीका, उसको एक समझने का तरीका, समझाने वाले का तरीका, और ये रिहैब के अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं रिहैबिलिटेशन टीम के अंदर, वो दे कीप ऑन इनकरेजिंग सच पीपल कि आपको ये करोगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा। सो काफ़ी हद तक इन लोगों को जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं उनको एक मोबिलिटी की अवेलेबिलिटी हो जाती है। अब ये आदमी जो है चाहे तो कार में भी जा सकता है, चाहे तो अपनी स्कूटर भी चला सकता है जो साइड कार के साथ विद सम अटैचमेंट, कि
क्योंकि फिर ऐसे भी बहुत से ब्रेव लोग हमने देखे हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे पर्संस हैं जो लिम नहीं है लेकिन स्टिल दे हैव करेज टू ड्राइव अ टू व्हीलर बिना साइड कार के भी. दे फील नहीं नहीं हम ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे, बिकॉज एक पैर ही तो लगाना है, एक तो है हमारे पास. सो दे डिपेंड ऑन द सेम लेग, जो उनकी जो नॉर्मल है या साउंड लेग है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. और एक अपने अपने आप ना वो स्टाइल डेवलप कर लेते हैं इस तरह के, आगे चलने का साथ में एक क्रच रख लेते हैं, जब उतरते हैं अपने क्रच पकड़ के मूवमेंट शुरू कर देते हैं. बट हम फिर भी कहते हैं कि दे शुड बी ऑन द सेफ साइड, खतरा नहीं उठाना चाहिए. जो अभी हम बात कर रहे थे, जो एक्सीडेंट्स की बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो बढ़ रहे हैं उसको रोकना चाहते हैं, उसके लिए प्रिकॉशंस लेके चलना बहुत जरूरी है. अगर हम प्रिकॉशंस लेके चलेंगे, खतरे को कम लेके चलेंगे तो ही बेहतर है. वो खुद तो खतरे में डल ही रहे हैं, अपने आप को डाल रहे हैं, लेकिन हो सकता है दूसरों को उनकी वजह से और भी लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं, दूसरे को भी खतरे में डाल रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. हाँ, उनकी एनकरेजमेंट है या जो उनका जोश है उसको हम सलाम करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो डिस्करेज करते हैं. बट फिर भी हर आदमी सेफ्टी, हेलमेट क्यों पहनते हैं हम लोग जी, स्कूटर चलाते हैं तो हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया हुआ है, क्योंकि हमारे को बचाव के लिए है ना, एक बचाव चाहिए. तो इसलिए क्या है कि उनको सेफ्टी साइड पे ऐसा काम नहीं करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम ठीक है, दे कैन एंजॉय देयर लाइफ विद दैट ऑल्सो. ये तो आपने मॉडरेट के देखे, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ. ये स्लाइड में आप देखेंगे, दूसरी स्लाइड में ये देखिए, अभी दिस इज द माइल्ड टू मॉडरेट करके थोड़ा सा है. इसकी बिलो नहीं एम्पुटेशन है, अगर आप घुटने से नीचे का इसका एम्पुटेशन है, बट स्टिल इज वॉकिंग लाइक ए नॉर्मल पर्सन. अगर पेंट ट्राउजर इसका नीचे कर दिया जाए तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज कि ये कोई आर्टिफिशियल लेग पहने हुए हैं. देखिए बिल्कुल नॉर्मल है, बट इनकी जो डेली एक्टिविटीज हैं थोड़ी लिमिटेड हैं, रुकी हुई हैं थोड़ी सी. वो इतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि जैसे हम कहेंगे इंडियन टॉयलेट यूज नहीं कर सकते हैं, स्क्वैटिंग नहीं कर सकते हैं, क्रॉस लेग अप टू सम लिमिट कर सकते हैं. इस तरह से कुछ लिमिटेशंस तो इनमें भी आ जाती हैं. लिमिटेशंस मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे लेवल ऑफ डिसेबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है, जितना लोकोमोटर के अंदर लेवल कम होता चला जाएगा, अभी हम ऊपर से कम की तरफ आ रहे हैं. आप देख रहे हैं पहले अबव नहीं था, अभी बिलो नहीं एम्पुटी है. और जैसे जैसे लेवल ऑफ एम्पुटेशन या लेवल ऑफ डिसेबिलिटी का थोड़ा सा लोअर लेवल हो जाता है, तो उतनी उतनी रिस्ट्रिक्शंस भी कम हो जाती है. आदमी के पास जो लिमिटेशंस हैं वो कम हो जाती हैं, उनको एंजॉय करने का पूरा पूरा मौका, या काफ़ी हद तक उनको पूरी लाइफ एंजॉय करने के लिए काफ़ी मिल जाता है उसके अंदर. तो इस तरह से अगर बिलो नी एम्पुटीज हैं तो वो उनकी जो वॉकिंग है बहुत नॉर्मल है. आप देखते हैं कि कई दफ़ा आप टीवी में भी देखते हैं या कहीं भी आप देखते हैं, तो बिलो नी वाले तो इतना फ्रिक्वेंटली और इतना नॉर्मल चलते हैं, तो शायद ही कोई पहचान पाता है उनको कि ये इन्होंने आर्टिफिशियल लेग पहनी हुई है. तो उसकी लिमिटेशंस काफ़ी कम हो जाती हैं. दे कैन एन्जॉय एवरीथिंग. उनका टू व्हीलर चलाना, ये भी अपने टू व्हीलर से ही आते जाते हैं, ये कोई साइड कार नहीं लगाते हैं, बिकॉज ही इज कैपेबल टू कंट्रोल द नी. मेन नी की स्टेबिलिटी है, नी की स्टेबिलिटी इनकी अच्छी है, फुट की स्टेबिलिटी हमने प्रोवाइड कर दी है इनको आर्टिफिशियल लेग के अंदर, तो फुट भी स्टेबल है, एट द सेम टाइम नी स्टेबल है, हिप उनका स्टेबल है, तो दे डोंट नीड टू हैव एनी साइड कार. और यहाँ तक हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जो दे वॉन्ट, मतलब ये कार भी चला सकते हैं. ही एक्चुअली ये जो आदमी है, ही इज बाई प्रोफेशन इज ए ड्राइवर. सो इसके पास अपनी कार है, अपनी गाड़ी है, खुद ड्राइव करता है, कभी ड्राइवर को देता है या कैसे भी करता है, इसके खुद अपनी कार चलाता है ये. तो ऑर्डर्स पे जाता है, तो जब कई दफ़ा कहता है कि मैं जाता हूँ ड्राइव करने, तो जब लोग कई पहले तो बताता नहीं है किसी को कि मेरा आर्टिफिशियल लेग है, और ना ही किसी को पता लगता है. कहता है किसी को पता नहीं लगता है कि मेरे को टांग में नहीं, तो वो यही है कि पैर में चोट लगी हुई है. मैं थोड़ा सा अगर लंगड़ाता हुआ दिखता हूँ तो उनको ये लगता है कि मेरे पैर में थोड़ी सी कोई चोट लगी हुई है. वो बताता नहीं है कि मैं आर्टिफिशियल लेग पहने हुए. तो कई दफ़ा क्या होता है कि अगर ये इस तरह का आदमी कार चला रहा है और कार में बैठने वाले का दिल धड़कने लगता है कि भाई ये कहीं हमें मार ना दे, या हमें कहीं गिरा ना दे, या कहीं एक्सीडेंट ना मार दे, तो इसलिए ये बिकॉज ऑफ हर बिजनेस, इसके बिजनेस का जो फायदे के लिए ये किसी को बताता नहीं है और पता भी नहीं लगता है. जितना फ्रीली ये ड्राइविंग और सब कुछ कर लेता है, किसी को पता नहीं लगता है. तो ये सब चीज़ें जो हैं, इनकी फैसिलिटीज बढ़ जाती है डिसेबिलिटी के अंदर, अगर इनकी लेवल ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो थोड़ा जैसे जैसे कम होता चला जाता है, वैसे वैसे इनकी जो लिमिटेशंस हैं वो भी कम हो जाती हैं, और ये दे कैन एन्जॉय एज मच एज लाइफ एज द अदर पीपल, जो बाकी सब लोग एन्जॉय करते हैं इसके अंदर. दूसरा देखेंगे आप, ये वॉकिंग फ्रेम्स हैं. अभी आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये दिस इज अ मोबिलिटी एड, जो एक पैराप्लीजिक, जो हम पैरालिसिस की बात कर रहे थे, तो उसमें दोनों पैरों में पैरालिसिस हो जाता है, तो इनको एक वॉकिंग सपोर्ट चाहिए होती है.
अब इनके पास डबल सपोर्ट है, एक तो आप देख रहे हैं सामने वॉकिंग फ्रेम पड़ा हुआ है, ये वॉकिंग फ्रेम है इनके पास, और दूसरा आप देख रहे हैं इनको कैलिपर्स भी लगे हुए हैं, ऑर्थोसिस लगे हुए हैं साथ में। सामने से देख रहे हैं टोज खुली हैं, सामने उनके पैर दिखाई दे रहे हैं, सॉक्स पहने हुए हैं। ये इसलिए है क्योंकि पैरालिसिस है, ये पैरालिसिस के अंदर सेंसेशन लॉस होता है। इनको अंदर पैर मुड़ा हुआ है या चुभ रहा है या उंगलियां सीधी नहीं है, ये सब इनको दिखाई समझ में नहीं आता, फीलिंग नहीं होती है उसकी, सेंसेशन नहीं है। उसके लिए क्या है कि सामने से विजिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। शू भी इस तरह से बना हुआ है, सामने से ओपन है, ताकि अगर इसकी उंगलियां मुड़ी हुई होंगी या उंगलियों में कुछ प्रॉब्लम, पैर ठीक से अपनी जगह पे नहीं होगा तो सामने से दिखाई दे देगा। तो विजुअली जो दूसरा आदमी है उसको देख के, उसके साथ में उसको जो ऑर्थोसिस पहनी हुई है, इट शुड बी कंफर्टेबल। और क्योंकि जब एक दफा पहन ली और उंगलियां मुड़ी के साथ पहनी रखेंगे तो हो सकता है एक घंटे दो घंटे के बाद इम्प्रॉपर वेट डालने की वजह से, गलत वेट डालने की वजह से उसके ऊपर वहां कुछ और वुंड डेवलप हो जाए या जख्म बन जाए वहां पे, उसको भी प्रिवेंट करना है, उसको होने नहीं देना चाहिए। क्योंकि इस केस के अंदर उनके वुंड्स जो होते हैं हीलिंग भी जरा स्लो होती है, तो इसके लिए मुश्किल हो सकती है। इसको आराम देने के लिए, एक सपोर्ट के लिए, एक वॉकिंग एड जो है इनकी, जो दोनों साइड में ऑर्थोसिस है, जो KFO के नाम से ऑर्थोसिस है, प्लस एक वॉकिंग फ्रेम है जिसके साथ वो मोबिलिटी कर सकते हैं। इस तरह के कई केस शुरू में तो वॉकिंग फ्रेम लेते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद, टाइम निकल जाने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो एक क्रचेस के ऊपर, एक्सिलरी क्रच, फिर नहीं तो एल्बो क्रचेस या एक स्टिक के साथ में, ये डिपेंड करता है उनकी खुद की जो एक एबिलिटी है या जो उनका एक स्पिरिट है, उनकी जो एक उनकी विल पावर है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। वो उसके हिसाब से इसको डेवलप कर लेते हैं और दे कैन मैनेज, और साथ साथ उनको जो फिजिकल कंडीशन है उनकी, वो भी उनको सपोर्ट करने लग जाती है, उनकी जो मदद करने लगती है फिजिकल सपोर्ट के साथ भी। क्योंकि ये टाइम टू टाइम, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो एक्सरसाइज करते रहते हैं और थेरेपी का काम इनका जो रेगुलर चलता है, उसके साथ इनकी जो मसल पावर्स हैं या इनकी जो सेंसेशन है वो थोड़ी रिटर्न, जैसे वापस आने लगती है, रिकवर करने लगते हैं, थोड़ा ये इम्प्रूव करने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली इनको अपने अंदर से भी एक जो एनकरेजमेंट है वो एक डेवलप होती है इनके साथ में। एनकरेजमेंट ही एक आदमी को काफ़ी दूर तक, ऊंचाई तक ले जाती है उनको। तो ये एक ऐसे पेशेंट्स के साथ में, इस तरह के जो डिसेबल्ड होते हैं जिनको सपोर्ट के साथ में, जो पैराप्लेजिक केसेस होते हैं या पैरालिसिस होता है दोनों पैरों में, तो उसके साथ में ये इनक्रीज करते रहते हैं। टाइम टू टाइम इनकी जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, एक चलने का तरीका भी डेवलप हो जाता है, इनको समझ में आ जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को कंफर्टेबल और इजी थोड़ा समझने लग जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो सपोर्ट है वो थोड़ी कम होती चली जाती है। मिनिमम सपोर्ट जो हम बात करते हैं, वी ट्राई टू स्टार्ट, अगर ऐसे पेशेंट्स हैं तो उनको स्टार्ट करते हैं एक अच्छी सपोर्ट के साथ में, बिकॉज एट द सेम टाइम सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। जो हम बात कर रहे हैं कि उनको सेफ है, गिरना नहीं है, उनको सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, प्रोवाइड करनी है। सेफ रहने के साथ साथ उनको ये डेवलपमेंट होते रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उनकी जो सपोर्ट है वो थोड़ी थोड़ी मिनिमम या मिनिमाइज करते जाते हैं, कम करते चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रीअसेसमेंट करते हैं जैसे जैसे, बिकॉज दे टेक टाइम, एक साल, दो साल, तीन साल, जैसे भी इनको लगता है टाइम लगता है, और दे कीप ऑन रिकवरिंग करते करते इनको कहाँ तक आ जाते हैं, बिकॉज 100% रिकवरी तो नहीं आती है, बट अप टू सम एक्सटेंट देयर इज़ अ रिकवरी। सो रिकवरी कितनी आ जाती है उस आदमी के साथ, डिपेंडिंग ऑन देयर एफर्ट्स ऑन अ फिजियोथेरेपी और ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द रिहैबिलिटेशन टीम, उसके अकॉर्डिंगली अगर वो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं तो रिकवरी डेफिनेटली बनी रहती है ऐसे पेशेंट्स के साथ में। तो ये एक और आप देख रहे हैं वॉकिंग फ्रेम है, इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट डिजाइन्स आते हैं वॉकिंग फ्रेम के अंदर, जो ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मीन्स फोल्डेबल है, आप इसको फोल्ड करके यूज़र जो है कार में रख के कहीं भी जाना हो, बिकॉज दे नीड फॉर वॉकिंग दिस, और फ्रेम तो चाहिए ही चाहिए उनको, तो इसको ले जाने के लिए उनको इसको कोलैप्स कर लेते हैं, फोल्ड करके एक साथ में हो जाता है, और इसको कार में, स्कूटर में, ऑटो में, रिक्शा में, जहाँ भी ले जाना चाहें, इट्स वेरी लाइट इन वेट और साथ में एडजस्टेबल रहता है। हाइट इसकी ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल पेशेंट पर्सन, इसको ये बल्क में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, देयर आर द मैन्युफैक्चर दोज हु आर प्रिपेयरिंग ऑल दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑल दिस फ्रेम्स, और ये कंपोनेंट सब मिलते हैं इसके अंदर ऊपर से नीचे। ये तो है फ्लेक्सिबल, देयर इज ए रिजिड फ्रेम, रिजिड मीन्स दैट इज नॉन कोलेप्सेबल, जो एक फिक्स फ्रेम है उसको आप फ्लेक्स नहीं कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते हैं,
दैट इज टू बी यूज्ड एट द होम और इन द ऑफिस. एक सेपरेट रखना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स में एक सेपरेट रखना पड़ेगा. हॉस्पिटल्स में पड़े रहते हैं उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको फोल्ड नहीं कर सकते और कहीं कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. कैरी कर सकते हैं, वेट तो नहीं है बट बल्की हो जाता है. कार में रखना आसान है, स्कूटर पे थ्री व्हीलर पे रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए क्या है कि देयर आर वैरायटी ऑफ दिस मोबिलिटी एड्स जो आज के टाइम में अवेलेबल है मार्केट के अंदर. फिर वही बात आती है हमारी कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में वी हैव गॉट वेरी गुड लुकिंग, सपोर्टिव, वेरी लाइट इन वेट, स्ट्रांग इन स्ट्रेंथ, डिफरेंट टाइप ऑफ दिस वॉकिंग फ्रेम्स एंड अदर अप्लायंसेस जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, दे आर प्लेंटी नाउडेज. इनको यूज किया जाना चाहिए. बिल्कुल यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के साथ में ये चलते हैं. ये इसमें अप्लायंसेज हैं और हमारे पास बहुत सारी अप्लायंसेज हैं. अभी हम और अप्लायंसेज के बारे में बात करेंगे. तो अभी आप दोस्तों आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट विजय जी ने हमको बताया कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इस तरह के मोबिलिटी एड्स आपके साथ में हैं जिनका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर और ज्यादा आसान बना सकते हैं. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में इस चर्चा को जारी रखेंगे. Thank you.
चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं मोबिलिटी एड्स के बारे में, और आपने देखा कि पूरे प्रोग्राम में हमने इस बात को जानने की कोशिश किया कि ये मोबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस तरह की हो सकती हैं और उनके लिए किस तरह के मोबिलिटी एड्स अवेलेबल हैं जिनका यूज करके हम अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर और ज्यादा आसान बना सकते हैं। डिफरेंट स्टेजेस को गुजरते हुए अभी हम क्रचेस के ऊपर हैं कि किस टाइप के क्रचेस अवेलेबल हैं सपोर्टिंग डिवाइसेस जो कि हमारे डिसेबल्ड फ्रेंड्स को चलने में आसानी कर सकते हैं, उनकी लाइफ को ज्यादा इजियर बना सकते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। नोट करें हमारे नंबर्स जिन पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800112008, हमारा फोन नंबर 0112651113 और हमारा फैक्स नंबर 0112651609। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.bsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, अभी हमने कुछ क्रचेस के बारे में बात किया, कुछ सपोर्टिंग डिवाइसेस वॉकर्स के बारे में हमने बात की थी, और इस तरह के कौन से डिजाइन हैं या और कौन से सिस्टम्स अवेलेबल हैं? जैसा मैंने बताया कि वॉकर्स के अंदर भी बहुत सारे डिजाइन हैं अभी, जैसा कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो बहुत सारे हमारे पास हर फैसिलिटी के लिए हमारे पास ये अवेलेबल है, हर इंडिविजुअल को सूट करने के लिए उनको कौन सा सूटेबल है अकॉर्डिंगली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। कुछ हमारे पास आप देखेंगे अभी क्रचेज हैं, स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इसमें क्रचेज जो एक्सिलरी क्रचेज जो एक बगल के नीचे दबा के, इट्स अ वेरी कॉमन मोबिलिटी एड है जो एक जो लोकोमोटर डिसेबल्ड पर्सन है एक इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। ये भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होती है, अलग अलग मटेरियल में अवेलेबल होती है। मटेरियल का कहने का मतलब है एल्यूमिनियम के अंदर है, स्टील के अंदर है, लकड़ी के अंदर है, ये हर तरह के मटेरियल के साथ अवेलेबल है, क्योंकि इसका यूसेज जो है एक टेम्पोरेली यूज होता है, एक परमानेंटली यूज होता है। परमानेंट जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको ये रेगुलरली चाहिए होती है, मीन्स रेगुलरली हर वक्त कंटिन्यू यूज करना पड़ता है इसके लिए, और इनको ये काफी यूज होती है उनके लिए, तो दे प्रेफर फॉर ए बेटर क्वालिटी जो उनको ड्यूरेबल रहे और काफी देर तक चलने वाली हो, और उसके लिए वो ऑप्ट करते हैं। और जिनको टेम्परेरी उन लोगों को जिनको जो कोई फ्रैक्चर केसेस हैं, कुछ प्लास्टर लगा या पैर में चोट लगी है, उसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने इस्तेमाल करनी है, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं रहेगी, तो इसलिए वो फिर एक लकड़ी की या इस तरह से एक लो प्रोफाइल वाली जो होती है उसको यूज करते हैं, और उसको लेके यूज करके दे कैन थ्रो अवे। और दे कैन यूजली क्या होता है कि वो लोग हॉस्पिटल्स में ही छोड़ देते हैं या नर्सिंग होम में छोड़ देते हैं कि किसी और के काम आ जाएगी, तो दे कैन यूज फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, तो वो यूज हो जाती है। और वैरायटी में अच्छी जो स्ट्रांग होती हैं, लाइट इन वेट होनी चाहिए और ये मजबूत होनी चाहिए इन डिफरेंट साइजेस। बच्चों के लिए अलग साइज है, थोड़े बड़े हो गए उनके लिए साइज अलग है, एडल्ट बिकॉज हाइट के हिसाब से, ये एज के हिसाब से नहीं है, हाइट के हिसाब से है ये, दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल हाइट। छोटे बच्चे की भी अगर हाइट ज़्यादा है तो उसको थोड़ी लंबी वाली चाहिए, एज के साथ नहीं है, उसकी हाइट कितनी है और एज हाइट के साथ ही ये भी एडजस्टेबल इसके अंदर भी, जो अगर बच्चे ने लिया है तो थोड़ा जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है उसकी हाइट बढ़ रही है, तो ये भी उसके साथ साथ इसको हम वी कैन इंक्रीज द हाइट ऑफ दिस क्रचेस। अब ये क्रचेस का यूसेज अकेले में भी है, मीन्स बिना किसी और अप्लायंसेस के, प्लस ये दूसरी अप्लायंसेस के साथ भी कॉम्बिनेशन भी बना के इसको यूज किया जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब है, अगर आपने देखा है कि मैंने आपको दिखाया था एक बच्चा जो चल रहा था विद द कैलिपर्स, दोनों पैरों में कैलिपर पहने हुए थे सॉरी, तो कैलिपर के साथ साथ क्या चाहिए उनको, कुछ और सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट का मतलब है कि एक हाथ में भी सपोर्ट चाहिए, तो एक्सिलरी क्रच उसके साथ शुरू कर सकते हैं, बिकॉज इन द बिगनिंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर उसको यूज करना होगा, वो एक्सिलरी क्रच एक ऐसी सपोर्ट है विच इज 100% सिक्योर। सिक्योर का मतलब हम जो अभी बात कर रहे थे कि हमें सेफ्टी साइड पे चलना है, सेफ साइड पे चलना है, और एट द सेम टाइम वी हैव टू गो फॉर ए मिनिमम एड ऑल्सो। मिनिमम एड को अभी पहले नहीं देखते, पहले सिक्योर देखते हैं, जो 100% सिक्योर हो, गिरने का चांस नहीं होना चाहिए और सेफ होनी चाहिए, 100% सेफ रहती है। इसके साथ अगर पेशेंट चल रहा है, पर्सन चल रहा है, तो उनको गिरने का चांसेस बहुत कम होते हैं, अनलेस किसी गीली जगह पे चले जाएं तो स्लिप ना कर जाए, या इसकी मेंटेनेंस ठीक नहीं करी। मेंटेनेंस ठीक में जो एक मेजर इशू आता है, इसके नीचे रबर एंड होते हैं, टिप के नीचे एक रबर लगी होती है,
अगर वो वॉर्न आउट हो गई है, अगर वो टूट गई है या घिस गई है, तो उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको चेंज नहीं करेंगे तो नीचे मेटल पार्ट या लकड़ी का पार्ट जो निकल आएगा, दैट इज़ मोर डेंजरस, वो स्लिप कर जाएगा, आप गिर सकते हैं उसके साथ में। तो इसलिए क्या है कि इसकी जो रबर की टिप है वो जैसे ही घिस जाए आपको उसको रिप्लेस करवा लेना बहुत जरूरी है। अगर आप रिप्लेस नहीं कराएंगे तो दैट मे बी आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकता है, एक छोटी सी बात के लिए। हार्डली 50-60 रुपए की चीज़ अगर है तो उसकी वजह से ही आपको बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी कीमत के साथ में आप उसको चेंज करिएगा और उसको आप अच्छे से मेंटेन करके रखिएगा। कहीं भी देखिएगा टूटने वाली हो तो उसको रिपेयर करवाइए, क्योंकि आप डिपेंड कर रहे हैं इसके ऊपर ही, आपका पूरा बॉडी वेट, आप इसके सहारे चल रहे हैं, तो इसको मेंटेन करना या इसको ठीक तरीके से रख रखाव रखना एक हमारी अपनी खुद की जिम्मेवारी हर इंडिविजुअल की बन जाती है जो इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक एक्जिला क्रच है जो एक बिल्कुल सेफ सपोर्ट है फॉर द मोबिलिटी पर्सन के लिए जो इसको यूज़ करते हैं उनके लिए। एंड दिस हैज़ टू बी यूज बाय द एम्पुटीज एज वेल, जो जिनका पैर कटा हुआ है उनको भी, जैसे आप देखेंगे घर के अंदर हैं बैठे हुए हैं या सो रहे हैं रात में, अगर उनको उठ के टॉयलेट जाना है रात में, जस्ट जाना है टॉयलेट और फिर वापस 5 मिनट में आना है, तो इतनी देर के लिए कोई भी एम्पुटी प्रेफर नहीं करता है कि वो आर्टिफिशियल लिम्ब पहने और फिर जाए वहाँ पे। तो उस टाइम के लिए उसको एक इस तरह की एक्जिला क्रच जो घर में पड़ी रहती है उनके बेड के साइड पे रहती है, उसको लेके वो इजीली दे कैन गो टू द टॉयलेट एंड कम बैक टू देयर बेड। तो ये एक छोटी जो यूटिलिटी है इसकी, थोड़ी थोड़ी करके हर जगह पे इस एक्जिला क्रच का काफ़ी यूसेज, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदेमंद है, इस्तेमाल करने के लिए है। जो यूज़ करते हैं उनको इसकी वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आती है, वो यूज़ कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है इसके साथ इस्तेमाल करने के लिए। बाकी रही बात जो मटेरियल्स की है, इसके अंदर स्टील के भी अवेलेबल हैं, और हमने तो यहाँ तक भी देखा है, आप किसी विलेज में चले जाइए, दे मेक एट देयर ओन, उनके अपने उन्होंने कहीं से भी इसका आइडिया लिया हुआ है कि इस तरह से बगल में रख के और हाथ के ऊपर वजन डालना होता है, तो वो जो गांव के अंदर बैम्बूज विच इज इजीली अवेलेबल है उसी को बीच में से बाइफरकेट कर देते हैं और नीचे से बांध देते हैं और ऊपर से जो चौड़ा हो जाता है उसके ऊपर एक लकड़ी का एक एक्जिला पैड बना के लकड़ी का उसके ऊपर पैडिंग कर लेते हैं और दे मेक देम सेल्फ, बीच में एक हैंडल लगा देते हैं जहाँ पे उनको हाथ की जगह चाहिए होती है, तो वो अपने आप भी इसकी जो क्रचेज हैं इस तरह से वो बना लेते हैं। मतलब मटेरियल से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, जो एक फंक्शन जो हमारा इसका आउटपुट है इस एक्जिला क्रच का वो ये है कि ये एक मोबिलिटी एड प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है जो पर्सन है विद द नीड ऑफ दिस सपोर्ट, जो डिसेबिलिटी के साथ में है उनको ये सपोर्ट करता है एक एक्जिला क्रच जो दोनों पेयर के साथ यूज होता है, सिंगल भी यूज हो सकता है। सिंगल इन द सेंस जो आदमी को एक ही पैर में प्रॉब्लम है दे प्रेफर टू यूज वन साइड ओनली, तो दोनों अप्लायंसेस नहीं, दोनों तरफ नहीं पकड़ना चाहते क्योंकि इसके साथ फिर दोनों हाथ एंगेज हो जाते हैं, इसके साथ दोनों हाथ एंगेज हो जाते हैं, तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं हम एक ही हाथ को एंगेज करेंगे और एक हाथ अपना फ्री रखेंगे टू होल्ड सम अदर थिंग्स जो घर में है या बाहर हैं जहाँ भी जाना है रहने के लिए, उनको एक अलग से ज़रूरत रहती है। बट ओनली द थिंग दे हैव टू बी सेफ ऑन द साइड, एक भी यूज़ कर रहे हैं तो उनको अकॉर्डिंग टू दे हैव टू मेक देयर वॉकिंग पैटर्न अकॉर्डिंगली। ये जो अप्लाइंसेज हैं ये यूज़ होती हैं, कैन बी यूज फॉर द मॉडरेट पीपल ऑल्सो, डिसेबिलिटी विद द मॉडरेट, डिसेबिलिटी विद द माइल्ड ऑल्सो। मॉडरेट के अंदर समटाइम्स दे यूज़ विद द अदर अप्लाइंसेज, कोई और अप्लाइंसेज ली है जैसा आर्टिफिशियल लेग पहनी हुई है या किसी ने कैलिपर पहना हुआ है, और मॉडरेट के अंदर समटाइम्स दे डोंट यूज़ एनी अप्लाइंसेज, अगर उनका पैर पोलियो से अफेक्टेड है या एम्पुटेटेड है कभी कभी वो कुछ भी नहीं पहनते, सिर्फ एक क्रच के सहारे दे कीप ऑन मूविंग, अपनी मोबिलिटी जो है उसके क्रच के साथ ही चलाते हैं, वो जो बाकी जो डैमेज पार्ट है या जो पार्ट इफेक्टिव है उसको वो जस्ट हैंग करके या अपने साथ में कैरी करते हैं उसको, अदरवाइज उससे कुछ काम नहीं लेते हैं, उसके ऊपर कोई वेट नहीं डालते हैं, उसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं लेते हैं, उसकी सपोर्ट पूरी की पूरी वो इस क्रच के ऊपर लेते हैं। तो ये भी इस तरीके से भी यूज़ होता है। ओनली द थिंग इंडिविजुअल पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्लस उनको एडवाइस लेनी चाहिए जो रिहैब प्रोफेशनल्स हैं, जो भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके साथ आप आसपास जहाँ भी रिहैब डिपार्टमेंट हो आप उनके साथ जाइए, अपना शेयर करिएगा वॉकिंग एक्सपीरियंस, एंड आप उनसे पूछ सकते हैं कि इफ़ यू कैन इम्प्रूव इन अ बेटर वे, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका वॉकिंग पैटर्न अच्छा हो सकता है या आपको सपोर्ट थोड़ी और मिल सकती है इसके साथ में, तो आप ऑलवेज यू कैन टॉक टू द रिहैब प्रोफेशनल।
इनसे आप बात करेंगे तो आपको इसके बारे में और जानकारी भी मिलेगी और बेनिफिट भी मिल सकते हैं इसके साथ में, आप इसको जाके इसको चर्चा में लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे हमारे पास एल्बो क्रचेज हैं, आप देख रहे हैं स्लाइड के अंदर, ये एल्बो क्रचेज एक्जिला से वेट हटा देते हैं। एक्जिला क्रचेज के डिसएडवांटेजेस हैं, अगर उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया, अगर हम यूज़र जो है उसको ठीक कंडीशंस के साथ, ठीक इंस्ट्रक्शंस के साथ उसको यूज़ नहीं करते, इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि एक्जिला के ऊपर वेट नहीं आना चाहिए, जो बगल में वेट नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारी एक डेलिकेट नर्व पास होती हैं, अगर वो प्रेस हो जाएंगी आपके वेट डालने से तो देन द पर्सन विल बी लूजिंग द फंक्शन ऑफ द हैंड ऑल्सो, बिकॉज वो नर्व जो है हमारे हाथ को ऑपरेट कर रही है, हाथों को फंक्शन कर रही है, अगर हम यहाँ से नर्व डैमेज कर देंगे तो हमारे हाथों का फंक्शन काफ़ी उसमें नुकसानदेह हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि अगर उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया तो डेफिनेटली कुछ और नुकसान और बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या है, अगर एल्बो क्रच को यूज़ करते हैं आप, ये जो देख रहे हैं, तो इसका सिर्फ टोटली इट मेक श्योर कि आपका जो वजन है पूरा हाथ के ऊपर ही आ रहा है, ये एल्बो तक सपोर्ट देता है। प्लस इसकी एडवांटेज ये आती है कि जो एल्बो के ऊपर काफ बैंड लगा हुआ है इसका, यहाँ पे ये आपकी क्रच को आपके हाथ के साथ एक किस्म का बांध के रखता है, आप अगर हाथ को छोड़ भी देंगे तो क्रच आपके हाथ से गिरेगी नहीं, हैंग कर जाएगी यहाँ पे। आप इसको छोड़ के आप बस में खड़े हैं तो बस का आप होल्ड कर सकते हैं, बस के जो हैंडल लगे हैं या उसके जो ग्रिप लगे हैं उसको आप होल्ड कर लीजिएगा, फिर आप हाथ नीचे करिए तो आपका हैंडल, क्रच का हैंडल आपके हाथ में आ जाएगा, यू कैन वॉक विद दैट ऑल्सो। सो मीन्स आपको इसके साथ एक और बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाता है। ओनली द थिंग आपको यू हैव टू स्विच ओवर फ्रॉम एक्जिला क्रच टू एल्बो क्रच, ये थोड़ी सी अपना एक हैबिट पैटर्न थोड़ा चेंज करना पड़ता है आपको, थोड़ी अपनी लाइफ स्टाइल में या थोड़ा सा चेंज करने के लिए आपको ये डिज़ाइन के अंदर या वॉकिंग के अंदर आपको ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लानी पड़ती है, थोड़ा सा स्किल में आपको चेंज करना पड़ता है कि मैं इस तरह से नहीं, आप इस तरह से चलना पसंद करेंगे तो वो आप इसको कर सकते हैं। तो ये एक एल्बो क्रच इस तरीके से काफ़ी फायदेमंद होती है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और डेफिनेटली जिनके दोनों हाथ इन्वॉल्व हैं, दोनों हाथों में पकड़ते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहती है, क्योंकि कभी भी एक किसी टाइम पे आप किसी एक हाथ को फ्री कर सकते हैं, इधर लेफ्ट और राइट को किसी भी एक हाथ को आप फ्री कर सकते हैं, दूसरा हाथ आपके पास सपोर्ट देता रहता है पूरा। तो ये एक एल्बो क्रच, इसमें भी डिफरेंट साइजेज हैं, हाइट इसकी एडजस्टेबल है अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स की हाइट के साथ ही एडजस्ट हो जाती है, इसमें भी मटेरियल एल्यूमिनियम में भी आते हैं और स्टील में भी आते हैं, दोनों इसके अंदर अवेलेबल हैं और बहुत से मैन्युफैक्चरर इसको प्रोड्यूस करते हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कहीं भी किसी भी केमिस्ट शॉप पे भी आप इसको ले सकते हैं और किसी सेंटर से भी, रिहैब सेंटर से मिल जाती है ये। तो इस तरह की जो एल्बो क्रचेज हैं आर मच मोर यूजफुल फॉर, वही दोबारा से बात करेंगे तो हम वही मॉडरेट और माइल्ड वाले जो हैं दे कैन यूज दिस टाइप ऑफ द सपोर्ट एंड दे कैन मेक देम मोबाइल विद द हेल्प ऑफ दिस क्रचेज अलॉन्ग विद और सेपरेटली, इधर ओनली एल्बो क्रच और दे कैन वॉक विद द अदर सपोर्ट एज ए ऑर्थोसिस और अ प्रोस्थेसिस, उसको भी साथ पहन के, ये दैट हेल्प्स इन मोबिलिटी। दूसरा आप देखेंगे हमारे पास जो एक कॉमन सपोर्ट है, आप देख रहे हैं ट्राईपॉड और टेट्रापॉड। ट्राईपॉड मीन्स उसके नीचे तीन पैर होते हैं, पर्टिकुलरली ये जो इस तरह की सपोर्ट है फॉर लिटिल बिट, आप ये देखिए थोड़ा ओल्ड एज पीपल जो हैं उनके लिए ज़्यादा सपोर्टिव रहती है, क्योंकि नीचे बेस जो वेट बेयरिंग बेस है इसका स्टिक का, वो आप देख रहे हैं नीचे चौड़ा हो जाता है, तीन पैर लग गए तो तीन पैर के बराबर चार पैर मीन्स काफ़ी चौड़ा हो जाता है, तो इट गिव्स मोर स्टेबिलिटी, उनको एक गिरने का डर नहीं रहता है, एज फैक्टर भी है और साथ में कुछ अगर इनेबिलिटी या थोड़ी डिसेबिलिटी है उनके साथ में तो उसके कवर करने के लिए या उसको सपोर्ट देने के लिए ये इजीली एक ट्राईपॉड या टेट्रापॉड का इस्तेमाल हो सकता है। इसका बेनिफिट एक और भी है साथ में कि ये अगर आप कहीं पे खड़े हैं या किसी और सहारा को पकड़ना चाहते हैं तो इसको आप वहीं छोड़ दीजिएगा तो ये खड़ी रहती है, गिरती नहीं है, स्टिक आपके साथ खड़ी रहती है, जैसे आप खड़े हैं वैसे ये स्टिक भी आपके साथ वहीं पर रखी रहती है, गिरेगी नहीं, आप इसको ईजिली फिर से उठा के यू कैन मूव विद दिस। और इसके अंदर भी स्टील के हैं और इसकी हाइट और एडजस्टेबल है, हाइट को भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं एज पर द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे जिसकी हाइट होती है डिफरेंट साइजेस में भी अवेलेबल होती है ये। तो ये एक स्टिक है जो इवन ओल्ड एज के लोग भी वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए और विद सम पर्सन विद हैविंग अ लिटिल बिट डिसेबिलिटी। एक और आप स्लाइड देख रहे हैं, इसके अंदर एक सिंपल एड है जो एक मिनिमम सपोर्ट होती है जो लोकोमोटर डिसेबल्ड पर्सन के लिए होती है, मिनिमम सपोर्ट जिसको कहते हैं, दिस इज अ सिंगल स्टिक
एक सबसे कम सपोर्ट होती है, जो समझिए कि अगर पैर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो इस स्टिक को पकड़ के काफ़ी मदद मिल जाती है। दिस कैन बी यूज्ड इन अ वेरी माइल्ड केसेस, बहुत कम केसेस हैं जिसके अंदर ये इस तरह की स्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको अलॉन्ग विद सम अदर अप्लायंसेस, जैसा आपने एक वीडियो क्लिपिंग में देखा था, द पर्सन हैविंग आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस, जो उसने आर्टिफिशियल लेग पहनी हुई थी अबव द नी और उसके साथ में भी एक स्टिक पकड़ी हुई थी, दैट इज एन एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक एडिशनल सपोर्ट लेके चल रहे थे उसके साथ में विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल स्टिक। ये सिंगल स्टिक जो है एक एडिशनल सपोर्ट है और एक मिनिमम सपोर्ट है, एंड प्लस एट द सेम टाइम समटाइम्स इट गिव्स द सिग्नल टू द अदर्स कि ये पर्सन इज हैविंग सम डिफिकल्टी विद द लोकोमोशन, सो दैट्स व्हाई ही इज होल्डिंग ए स्टिक। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ओल्ड एज के अंदर आके सबको स्टिक पकड़नी पड़ती है, एक ऐसी उम्र आ जाती है हर आदमी के साथ, हमारे साथ भी आएगी, सबके साथ आती है, एक ऐसी एज आती है कि एक स्टिक का लेना, एक मिनिमम एट लेना साथ में चल के चलना उसके साथ में बहुत लाजमी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके साथ चलने में भी आसानी होती है, सिग्नल भी जाता है दूसरे लोगों को कि अब इनकी थोड़ी उम्र का भी तकाजा है और साथ में थोड़ी सी चलने में कुछ परेशानी है। इस तरह की हमारी जो अप्लाइंसेज हैं आप ये देख रहे हैं, इनके साथ में जो लोकोमोटर डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको एक अच्छी मोबिलिटी, अच्छी एक कन्वीनियंस, जो एक उनको आरामदायक मोबिलिटी जो है प्रोवाइड करने के लिए एज पर द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे इंसान की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थेसिस एंड मोबिलिटी एड्स जो इसके लिए आज के टाइम में अवेलेबल हैं एंड कैन बी गिवन टू द पर्संस हैविंग द डिसेबिलिटी विद दैट आल्सो। इस तरह के अप्लायंसेस हम उनको दे सकते हैं। सर हमने बहुत सारे यहाँ पर सपोर्टिंग डिवाइसेस के बारे में देख लिया, अध्ययन किया उसके बारे में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये समझने की भी है कि जब हम किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप की वैरायटीज के बारे में उनकी सजेशंस होती हैं। एक पर्सन किस कंपनी को चूज करे या किस मटेरियल को चूज करे, इस बात को थोड़ा सा समझना यहाँ पर थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके इकोनॉमिकल सेंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन ऐसी होती है जो कि जिसके लिए कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ऐसे सिचुएशन में किस तरह के जो डिवाइसेज हैं उनकी तरफ इनको आगे बढ़ना चाहिए? बहुत अच्छा आपने पूछा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी आज के टाइम में जो रिहैबिलिटेशन एड्स जो इस तरह से अवेलेबल हैं, उसके लिए हम जो पेशेंट के साथ कंसीडर करते हैं तो उनको कंपनी का काम नहीं हम करते, कंपनी से किसी का कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन हाँ मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है या किस तरह का उसका डिज़ाइनिंग हो रही है उसके ऊपर हम ज़रूर चर्चा करते हैं। उसके लिए क्या है कि अगर मान लीजिए कोई रूरल एरिया से आ रहे हैं पेशेंट या वहाँ रहते हैं उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो लोकल मटेरियल अवेलेबल होता है, लाइक अगर हम क्रचेज की बात ही कर रहे थे अभी, तो अगर क्रच की बात करें तो एल्यूमिनियम की क्रच अगर ले लेंगे तो अगर उसमें रिक्वायरमेंट हुई कोई रिपेयर की या उसकी मेंटेनेंस की, तो हो सकता है रूरल में उसका वेल्डिंग का प्रोविजन ना हो, टूट जाए तो स्टील की वेल्डिंग हर जगह अवेलेबल होती है, लोहे की अवेलेबल सब जगह होती है और स्ट्रांग भी होती है। एट द सेम टाइम वुड जो है, वुडन जो है, वो भी रिपेयरेबल होती है, कहीं भी रिपेयर हो सकती है। तो वो अगर हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए देखें, क्योंकि हमें जो भी ये अप्लायंसेस का काम होता है ये दिस इज़ नॉट अ वन टाइम ओनली, बिकॉज आफ्टर फिटमेंट ऑल्सो दे नीड अ सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि उनको फिटमेंट हो गया, आज प्रोसेसेस लग गया या ऑर्थोसिस लग गया तो दे डोंट नीड एनी सपोर्ट, नहीं चाहिए उनको, दे नीड सपोर्ट, उनको पीछे से बैक सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए हम ये प्रेफर करते हैं जो आदमी जिस एरिया से रहने वाला है वहाँ पे उसको आफ्टर फिटमेंट सर्विस कितनी मिल सकती है उसको ध्यान में रखते हुए, और जो आपने बात की कि इकोनॉमिकली कितनी अच्छी है वो भी हमें पूरा ध्यान में रखना पड़ता है कि ये इसमें कॉस्ट कितनी है, क्योंकि हम जो पर्सन यूज़र है उसके सामने सारी ऑप्शंस होनी चाहिए कि ये एक्सपेंसिव है, इसकी मेंटेनेंस एक्सपेंसिव है, ये लेस एक्सपेंसिव है, तो इसके साथ ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी होती हैं, तो उसके ऊपर ही वो डिसाइड करते हैं जो यूज़र है, उसको सब देखते हुए इस्तेमाल करने से पहले हर चीज़ का उसको जायज़ा करते हैं। और ये दिस इज़ नॉट अ वन टाइम ओनली, क्योंकि एक बार यूज़ करते हैं जो इसकी लाइफ होती है हर चीज़ की, हर ऑर्थोसिस की, हर सपोर्ट की एक लाइफ है, उस लाइफ के बाद उनको या तो दूसरे में चेंज करना पड़ेगा, नया लेनी पड़ेगी, या उसको मेंटेनेंस तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन एक टाइम पे आके नई भी लेनी पड़ेगी। तो दे हैव टू एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग, जो आज अगर महंगी नहीं खरीद पा रहे हैं तो कल को हो सकता है आने वाले टाइम में वो महंगी खरीद लें,
उनको अच्छी वाली भी लेने की इच्छा भी होगी, तो ये इस तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस है। सर एक चीज थोड़ा सा और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, चूंकि भारत कहा जाता है कि गांवों का देश है, हमारी एक लार्ज पॉपुलेशन ऐसी है जो कि रूरल एरियाज में रह रही है, जिनकी पहुंच बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एज में नहीं है, वो अभी भी एक अपनी जिंदगी जी रहे हैं जहां पर कि बहुत पिछड़ा हुआ हम जिसको कि कह सकते हैं एक सेंस में, तो वहां पर इतने सारी फैसिलिटीज, इतने एक्सपर्ट्स, इतने डॉक्टर्स, एक रिहैबिलिटेशन टीम भी वहां पर बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होती है, ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो कैसे अपने इस तरह के मोबिलिटी एड्स को फाइंड करें, और इसके लिए उनको कहां पर जाना चाहिए और कौन उनको सही सलाह दे सकता है? देखिए आज के टाइम में मैं आपको बताना चाहूंगा, देयर आर सो मेनी एनजीओस जो इसके ऊपर काम कर रही है कि जो जैसी ये जो व्हील चेयर अभी आपने देखी है, मोटराइज व्हील चेयर या दूसरी व्हील चेयर, ये रूरल में चलने के लायक नहीं है जी। कहीं भी जैसे जहाँ कच्ची जमीन होगी या ऊंची नीची जमीन होगी या प्लेन नहीं होगा सरफेस, वहां पे चलने लायक नहीं है, वहां स्टक कर जाएंगी, जो आदमी चला नहीं पाएगा उसको। तो इसके लिए क्या है, आज के टाइम में स्टक क्यों करती हैं, क्योंकि इसके व्हील छोटे हैं जी, पहिए छोटे होने की वजह से स्टक कर जाते हैं कहीं भी। तो इसके लिए आज बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रूरल के अकॉर्डिंगली उसको डेवलप कर रहे हैं, और बनी भी हैं इस तरह की व्हील चेयर्स, मार्केट में अभी इतनी ज्यादा नहीं आई है लेकिन इस तरह की अवेलेबल है। आज के टाइम में बहुत सारी एक दो एनजीओ हैं जिन्होंने उन्होंने इस तरह के डिजाइन बनाए हैं, जो एक क्योंकि विलेज के अंदर एक प्रॉब्लम और होती है कि उनके घर भी छोटे होते हैं, गेट दरवाजा छोटा होता है जिसके अंदर से व्हीलचेयर का जाना आना इतना मुमकिन नहीं होता है, कई दफा उनके द्वारे जो उनके डोर्स होते हैं उसके अंदर एक ऑब्स्टेकल लगा होता है, आप देखेंगे थोड़ा सा स्टेप ऊंचा होता है फिर नीचे होता है जी। तो वो इसलिए रखते हैं कि बाढ़ का पानी अंदर नहीं जाए, बाहर का बारिश का पानी आए तो घर के अंदर नहीं जाए, तो वो एक थोड़ी सी उसमें वो लगा के रखते हैं। तो ये सब चीजें अभी इतनी डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं हुई हैं गांव के अंदर, जो आज शहरों में जो ये चल रहा है प्रोजेक्ट चल रहा है कि डिसेबल्ड फ्रेंडली, आज आप देखेंगे कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे दिल्ली के अंदर उनको भी एक डिसेबल्ड फ्रेंडली करने की बात चल रही है और काम चल रहा है उसके ऊपर, जितने भी बस स्टॉप्स हैं या रेलवे स्टेशंस हैं या एयरपोर्ट्स हैं सबको डिसेबल्ड फ्रेंडली, जिसके ऊपर व्हीलचेयर और व्हीलचेयर को मूवमेंट ईजी हो जाए। तो इसलिए ये काफी चीज इसके ऊपर काम चल रहा है, इसकी अवेयरनेस अभी रूरल में कम है बट स्टिल द वर्क इज गोइंग ऑन, इट मे टेक सम टाइम, लेकिन आने वाले समय में जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों इस चर्चा में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी आसान हो रही है, और आगे आने वाले टाइम में जितना ही इस तरह के डेवलपमेंट होती रहेगी निश्चित रूप से हमारे डिसेबल्ड फ्रेंड्स के लिए बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीजें निकल करके सामने आएंगी जो उनकी जिंदगी को और भी अधिक आसान बनाने में मददगार साबित होंगे। विजय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमने हमारी इस परिचर्चा में पूरी तरह से अपना सहभाग करने के लिए, और दोस्तों आपका भी धन्यवाद हमारी इस चर्चा को ध्यान से सुनने के लिए। अब एक बार नए सेशन में फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।